थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। कल से इंशाल्लाह धमाकेदार व्लॉग आने वाले हैं, तो आज हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे बैठ के, आज चाय वाय कुछ भी नहीं पियेंगे, बस डिसाइड करना है हमें कि हम कल से कहाँ जाने वाले हैं, तो काफी मजा आने वाला है ना। चलो चाहता कि हमारा चालान हो वहाँ पे, इसलिए यहाँ से मैं खुद बाइक चलाऊंगा और नमकीन ने भी अपना व्लॉग जो है ना वो अच्छे से शूट किया। निकाल वो आराम से निकालना क्योंकि मैंने नीचे से ना सपोर्ट लगाया। तो नमकीन का एक्सीडेंट हुआ है यार, हेडलाइट वेडलाइट सारा कुछ। तो सो अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बी स्टैंड्स 19। आई होप मेरे दोस्त जो है सभी बढ़िया होंगे, अच्छे से होंगे और अपने घरों में बिल्कुल सेफ होंगे। तो आज भाई अचानक से प्रोग्राम बना क्योंकि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बोला था कि मुझे कहीं जाना, वो कल हमें श्रीनगर जाना था, लेकिन आज अचानक से डिसाइड किया मैंने कि मैं श्रीनगर जाता हूँ, ठीक है। तो फाइनली मैं श्रीनगर निकल पड़ा जाऊँगा, तो यहाँ पर पहले देते हैं नियाज क्योंकि ये श्राइन ना बहुत ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे जब मैं राइड पे जाता हूँ ना सबसे पहले मैं यहाँ पे रुकता हूँ, तो इससे क्या होता है भाई आपकी जर्नी जो है ना वो सेफ रहती है, मेरा ये मानना है। अच्छा तो श्रीनगर में मेरे ख्याल से मैं अब बहुत दिन स्टे करने वाला हूँ क्योंकि अपने कॉलेज भी खुल गए हैं ना, तो मुझे कॉलेज भी ज्वाइन करना होगा। मेरी कानवाई आ रही है ना इसलिए सभी गाड़ियाँ यहाँ पर रुकी है, तो अभी हमें नेशनल हाईवे पर जाने नहीं देंगे भाई, तो अभी ना आर्मी कानवाई जा रही है, उनको बाबा जाने देते तो उसके बाद हम लोग निकलते हैं। ओके, थैंक यू सर। तो आर्मी कानवाई भी ख़त्म हो गई, तो यहाँ की वहाँ से भी गाड़ियाँ आ रही है क्योंकि उनको भी रोका था ना, और हम लोग भी आराम से जा सकते हैं। तो आर्मी कानवाई का थोड़ा सा सीन रहता है, तो उसके बाद भाई टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। चलो भाई अपनी बाइक तो हाईवे के ट्रैक पे आ चुकी है, तो आज विंड नॉइज़ ना 0% आने को मिलेगी। यहाँ पर भी देख सकते हो आप भाई, हरियाली है और मज़े की बात है। वो सिटी ऑफ सैफ्रॉन में रुकेंगे, तो वहाँ पे चाय जो है ना चाय पीते भाई, तो उसके बाद डायरेक्ट श्रीनगर। तो जब स्पीड ना 90+ होती है बाइक थोड़ी सी वाइब्रेट करती है यार, मुझे मोबाइल होल्डर कितना वाइब्रेट कर रहा है भाई उस टाइम के लिए, भाई मुझे ये लगता है ना अभी गिरेगा फ़ोन मेरा, लेकिन ये मोबाइल होल्डर जो है ना बहुत अच्छी चीज़ है, इसे फ़ोन को पकड़ लेता है तो फिर छोड़ने की बात ही नहीं है, इस पर भरोसा है मुझे। शहरों में बाइक अपनी बहुत छोटी लगती है, बहुत छोटी, इतनी सी बाइक लगती है भाई, इतनी सी। टोल प्लाजा, तो यहाँ पे अपनी एंट्री ना फ्री है भाई क्योंकि अपने पास है बाइक और बाइक से एंट्री ना टोल प्लाजा पर फ्री होती है। सभी लोग ना लाइन में रोकड़ा दे रहे हैं लेकिन अपनी एंट्री फ्री है यार, बंदे को ना फील होता है जब कोई बाइक वाला होता है ना, फिर टोल प्लाजा में ऐसे ही निकल जाता है यार, अच्छा लगता है भाई। क्या सीन है, सभी को रोक रहे हैं भाई, सभी को रोक रहे हैं, तो बहुत सारी सिक्योरिटी है यहाँ पे, बहुत सारी यार, वो कहने की बात नहीं है, आगे भी बहुत सारे हैं, शायद कॉर्डन वार्डनों का कुछ यहाँ पे, तो इसलिए हमें भी रोका था इन लोगों ने। चलो अब हम यहाँ से निकल पड़े हैं। सो गाइस मैं पहुँचा उस सिटी ऑफ सैफ्रॉन, यहाँ पे चाय पीते हैं। आप सबको पता है जब मैं श्रीनगर जाता हूँ ना पामपुर में मैं ज़रूर रुकता हूँ क्योंकि यहाँ पर चाय जो है ना बहुत प्यारी मिलती है, तो आगे जाके हम पहले चाय पियेंगे भाई, उसके बाद अपना सफ़र जो है ना उसको कंटिन्यू रखेंगे। सुबह चाय वाय जो है ना मैंने अच्छे से पी ली है, और मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगा, जो अचानक से प्रोग्राम बनते हैं ना ये ना बंदे की लाइफ बनाते हैं अचानक वाले प्रोग्राम, तो ये बात ना याद रखनी चाहिए। फिलहाल यहाँ से आप जल्दी से निकलते हैं, उठा लेता हूँ अपनी बाइक यहाँ पर लगी है, तो आज मैंने अकेले ट्रैवल किया, दोस्त जो है ना वो कल या परसों आ रहे हैं मिलने श्रीनगर। प्यारा लग रहा है यार, इनफील्ड में अभी पानी जमा है ना, वहाँ से ट्रेन जा रही है, बिल्कुल एक नंबर लग रहा है। मैं तो अपनी एंट्री जो है ना वो श्रीनगर में हो चुकी है, तो फिलहाल मुझे जाना है नमकीन के पास और नमकीन को एक गिफ्ट दे के आना है, क्योंकि मैंने नमकीन के साथ शूट किया ना उस टाइम मैंने उसको प्रॉमिस किया मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट ला रहा हूँ, उसको बोला था मुझे कहीं ले चल जहाँ पे ऑफ रोड अच्छे से होगा और जो जगह बहुत ज़्यादा बढ़िया होगी, तो उसने मुझे वहाँ तक लिया यार। इसे ना अब डल लैक दिखने वाला है, मैं 5-6 दिनों के बाद डल लैक को फिर से देख रहा हूँ क्योंकि 6 दिन जो है ना वो मैंने घर में दिए, 4 दिन शादी के साथ और 2 दिन मैंने घर में दिए, तो 6 दिनों के बाद डल लैक पे अपनी वापसी फिर से। नमकीन भी आ चुकी है, तो मैंने आपको बोला था नमकीन के लिए एक गिफ्ट है, नमकीन को देते हैं वो चीज़ जो कि नमकीन को बहुत ज़्यादा पसंद है। फिलहाल आप जाते हैं आगे वहाँ पे रुकते हैं, तो नमकीन के लिए मैंने कुछ लाया है, पहले नमकीन को वो चीज़ देते हैं क्योंकि नमकीन ने मुझे खजल नहीं किया परसों जब हम ऑफ रोड करने गए थे ना, तो पहली बार इसे धोखा दिया था मुझे, लेकिन उसके बाद धोखा नहीं दिया, उसके बाद मुझे इसने प्रॉपर लोकेशन पर पहुँची जिस चीज़ की मुझे ज़रूरत थी ना, जिस जगह की मुझे ज़रूरत थी, तो नमकीन ने मुझे वहाँ तक पहुँचा दिया। शेडो में अब 2 नज़र आ रहे हैं, देख लो मैं और नमकीन वहाँ पे रुकते हैं, तो नमकीन के लिए जो चीज़ मैंने लाई थी ना नमकीन को वो चीज़ देते हैं, तो बाइक को लगाते हैं इस साइड में, उस साइड बैठते हैं। क्या चाहिए? गिफ्ट नहीं है, खाने की चीज़ है वो, तुम्हें वो बहुत ज़्यादा पसंद है। 150 रुपया लगेगा, 150 रुपया दोगी मुझे? अच्छा ठीक है, फाइनली इसको देते हैं, पॉकेट से निकालता हूँ मैं, ये ले डायरी मिलिक, तो ये नमकीन को बहुत ज़्यादा पसंद है, ठीक है। तो नमकीन ने डायरी मिल्क अपना लिया स्कूटी पे, तो गाड़ी वाले ने नमकीन को टक्कर मारा स्कूटी पे, तो इसको लगी है यहाँ पे आँख के उस साइड में। कल से इंशाल्लाह धमाकेदार व्लॉग आने वाले हैं, तो आज हम डिसाइड करेंगे यहाँ पे बैठ के, आज चाय वाय कुछ भी नहीं पियेंगे, बस डिसाइड करना है हमें
कि हम कल से कहाँ जाने वाले हैं, तो काफी मजा आने वाला है ना। चलो सो गाइस, यहाँ से नमकीन मेरी बाइक जो है ना राइड करने वाली है, तो इसने सारा कुछ पहन लिया है, तो यहाँ से हम निकलते हैं। सो नमकीन ने यहाँ तक बाइक को राइड किया, तो आगे ना पुलिस वाले होते हैं, तो ज्यादा कि हमारा चालान हो वहाँ पे, इसलिए यहाँ से मैं खुद बाइक चलाऊंगा। और नमकीन ने भी अपना ब्लॉग जो है ना वो अच्छे से शूट किया। निकाल, वो आराम से निकालना, क्योंकि मैंने नीचे से ना सपोर्ट लगाया। मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, जो मैंने आपको बोला था ना, मैंने हेलमेट में कुछ चीज फिट किया जिससे विंड नॉइज कम आती है, तो वो रहा है नीचे रेड कलर जो आपको दिख रहा है, तो इससे विंड नॉइज ना बहुत ज्यादा कम आती है। जब मैं राइड करता था ना, विंड नॉइज नीचे से आता था बहुत ज्यादा, तो इससे अब विंड नॉइज बिल्कुल 0% आता है। तो मजा आता है व्लॉगिंग करने में, क्योंकि जब आपको आवाज प्यारी मिलती है ना, तब व्लॉग और इंटरेस्टिंग बनता है। सो यहाँ से नमकीन को वापस निशाद में छोड़ते हैं, क्योंकि इसकी खटारा स्कूटी वहीं पे है पार्किंग में, तो फिर ये वहीं पे वापस आ चुका हूँ। तो नमकीन की स्कूटी आगे ना निशाद में पार्किंग में लगी है, तो नमकीन का एक्सीडेंट हुआ है यार, हेडलाइट वेडलाइट सारा कुछ तोड़ दिया नमकीन ने। हाँ चल, तो मैं हजरत बल तक ना नमकीन के साथ ही रहूंगा, तो फिर नमकीन वहाँ से घर निकलेगी और मुझे भी यार बागात की ओर निकलना है। फिर एक ही साइड मेरा रहा है नमकीन ने, दूसरा भी इसने तोड़ दिया, और परसों ये गिरी थी ना, इसके चेहरे को लग गया यार, गंदे तरीके से गिरी थी, किसी गाड़ी वाले ने टक्कर मारी थी इसकी स्कूटी को। रेस करनी है मेरे साथ नमकीन, नहीं है नंबर नहीं मिल सकता। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग। ओके, अल्लाह हाफिज, बाय, टेक केयर। तो इंशाल्लाह नमकीन को यहाँ से वापस छोड़ लेते हैं एक तबाही वाले ब्लॉग में। ओके बाय, आराम से जाना, ध्यान से जाना। सो गाइस, आज के ब्लॉग को ना यही पे एंड कर लेते हैं। होप आपको वीडियो जो है वो पसंद आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए, वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना, और अगर चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करना है। बेल आइकन जो है उसको प्रेस मारो, नीचे बेल आइकन जो है उसको प्रेस मारो, और लाल कलर का सब्सक्राइब लिखा है ना उसको जरूरी टच करना है। अगर आप यूनिक व्यूअर्स हो मेरी चैनल पे, भाई फिर तो आपका हक बनता है कि चैनल को जरूरी सब्सक्राइब करके जाओ। चलो इंशाल्लाह मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में, तबाही वाली सीरीज जो है ना वो स्टार्ट होने वाली है, तबाही वाले व्लॉग के साथ मिलते हैं, और तब तक के लिए अपना ध्यान रखो भाई। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।